तो हाय दोस्तों, मैं सूरज मंडोल। दोस्तों आज मैं गांव जाऊंगा, बहुत ही खुशी लग रहा है मुझे। मैं गांव जा रहा हूं बहुत दिनों के बाद, मतलब लगभग 1.5 साल हो चुका है मैं गांव नहीं गया। तो बहुत ही खुशी लग रहा है मुझे, मैं गांव जा रहा हूं। देखिए, मैं पूना ट्रेन से निकला और आ गया नागपुर स्टेशन पर। मैं पुणे में बैठा था स्टेशन पर, जो था टाइम था 10 जनवरी को था और शाम को 6:30 बजे का ट्रेन था। और नागपुर उसका दूसरे दिन 11 तारीख को लगभग 11-12 बजे रहेगा, मुझे ठीक से याद नहीं, उतना टाइम में नागपुर पहुंच जाता है। ये देखिए नागपुर में, ये नागपुर स्टेशन है। यहाँ पे मैंने कुछ सामान लिया था खाने के लिए, नाश्ता के लिए। तो दोस्तों बहुत दिन बाद मैं गांव जा रहा हूँ, तो यार बहुत ही खुशी हो रहा है मुझे। तो दोस्तों देखिए, ट्रेन अभी नागपुर से निकल चुका है। ये देखिए, मैं एसी में था, B4 डब्बा था मेरा। और रास्ते में बहुत सारा ब्रिज, बहुत सारा जो है देखने को चीज़ भी मिलता है। मैंने जितना हो सका उतना मैंने जो है रिकॉर्ड किया। बाकी टाइम जो था मैं सो के गुजरते। ये देखिए भंडारा रोड जो स्टेशन है, अभी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे उस स्टेशन पे काम भी हो चालू था। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद भी मैं गांव का बहुत सारा वीडियो लाऊंगा, और आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। मैं लाऊँगा, मेरा गाँव का वीडियो लाऊँगा। तो अभी तो मैं गाँव जा रहा हूँ इतना, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो गांव में घूमा, मेला में जो घूमा था उसका भी मैंने वीडियो बनाया। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कितना अच्छा नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत देखिए ब्रिज। फिर यार सोचा कि चलिए आप लोगों को जो ट्रेन का खाना है ना वो भी दिखा दूँ। तो देखिए, मेरी बीवी के साथ मैं खाना खा रहा था, मैं सोचा वीडियो बना लूँ एक। तो ट्रेन में कैसा खाना मिलता है, आप जितने भी लोग ट्रेन में सफ़र किया है उन लोगों को तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है शायद लॉन्ग मतलब जर्नी नहीं किया है। तो देखिए, एक फिश मैंने मंगाया था, इसका प्लेट है 150 रुपये एक प्लेट, इसके साथ एक राइस का अलग से भी प्लेट मिलता है। ये देखिए लगभग चल जाएगा, पेट भर जाएगा, वैसे ही खाना मिलता है। ये देखिए फिश मछली, तो भूख नहीं था बोल के एक ही मंगाया था और हम दोनों ने आधा आधा करके वो खा लिया था। टेस्ट जो था ठीक था, मतलब ट्रेन में इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। और दोस्तों खाना खाते ही सुबह हम पहुंच गए कलकत्ता। ये देखिए दोस्तों, अभी कलकत्ता जो हावड़ा स्टेशन है वहाँ पे अभी ये अंदर मतलब अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन हावड़ा स्टेशन की तरफ ये ट्रेन जा रहा है। हावड़ा स्टेशन में लगभग मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन फिर भी 22-23-25 प्लेटफॉर्म है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म स्टेशन है। आपको मैं हावड़ा ब्रिज थोड़ा सा इधर से दिखाऊंगा, बाद में मौका मिला तो पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हावड़ा ब्रिज जो कलकत्ता का फेमस ब्रिज है, जो सभी लोग जानते हैं कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज। ये देखिए फेमस हावड़ा ब्रिज, बाद में हो सका अगर भी घूमने आया कलकत्ता में तो आपको प्रॉपरली मतलब पूरा ठीक से दिखाऊँगा, एकदम नज़दीक से दिखाऊँगा मैं। ये देखिए अभी जो है हावड़ा स्टेशन लगभग पहुँच गया है। अभी लगभग सुबह का 5:30 टाइम हुआ है, ट्रेन थोड़ा लेट है, मतलब ठंडी जब विंटर के टाइम होता है ना तो थोड़ा लेट ही आता है ट्रेन, ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंचाता है। तो 5:30-6 के टाइम बीच में ट्रेन जो है हावड़ा स्टेशन पे पहुंच जाता है। ये देखिए ये ओवर ब्रिज। दोस्तों मैं गांव में आया हूँ, तो चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत सारा वीडियो जो है बना के पहले से ही बना के रख चुका हूँ। मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में वो वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और आप लोग हमेशा मेरा वीडियो देखने के बाद लाइक करना और दोस्तों का शेयर जरूर करना, मैं बीच बीच में वीडियो डालता रहूँगा। दोस्तों लगभग 34 घंटा सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग हावड़ा स्टेशन पे उतर गए। अब यहाँ से कुली पकड़ के हम लोग बाहर निकले, थोड़ा सामान था बोल के कुली लेना पड़ा। ये देखिए हावड़ा स्टेशन देख लीजिए आप, कभी आया नहीं तो देख लीजिए।
और बाद में कभी मैं हावड़ा के नज़दीक आया तो मैं आपको हावड़ा ब्रिज दिखाऊंगा। ये देखिए हावड़ा ब्रिज से निकलने के बाद यहाँ पे हम लोग गाड़ी किए, यहाँ से कम जो है 2 घंटा लगते हैं वापस, मेरा जो गांव है ना वहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटा लग जाता है 4 व्हीलर से। ये देखिए ठीक हावड़ा ब्रिज के नीचे से हम लोग पहुँच गए। देखिए ये हावड़ा ब्रिज ऊपर है, उसके नीचे से हम गए। अभी ये मेरा शहर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे टोटो, इसे टोटो गए थे हमारे उधर पे, इसमें 4-5 एक संग बैठ सकते हैं। और देखिए ये मेरा जो शहर है अभी इधर से भी थोड़ा सा दूर और है। तो दोस्तों हम लोग घर पहुँच चुके हैं और इसके बाद में मेला में जो गया था उसका आपको दिखाऊँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेला हो रहा था अपने गाँव से थोड़ा सा दूर, लगभग 10 किलोमीटर, और ऐसे हम लोग 10 जन आए थे सब मिला के, और माल सामान लाए थे यहाँ पे पिकनिक टाइप करने के लिए, मतलब चिकन बनाऊंगा और जो है राइस बना के। हम थोड़ा फैमिली आए थे और यहाँ पे पिकनिक टाइप किए थे, तो इसका भी थोड़ा वीडियो देख लीजिए नज़ारा, अगर आपको पसंद आए तो देख लीजिए। तो बहुत ढूंढने के बाद फाइनली यहाँ पे एक जगह मिला। देखिए यहाँ पे आजू बाजू और भी बहुत लोग हैं, आपको दिखाऊंगा। और अंदर के हिस्से में इस तरह पहाड़ है, अंदर के हिस्से में बहुत सारा लोग ऐसे आए हैं पिकनिक करने के लिए। मेले के साथ साथ यहाँ पे पिकनिक भी मनाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग खाना पकाएंगे और खाएंगे, फिर यहाँ से मेला देख के चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ से हम लोग मेले में आए हैं थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए, मतलब नाश्ता करेंगे। ठीक है, मेला बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे डोना और मेले में। ये तो बाहर का हिस्सा है, अंदर के हिस्से में, ये अंदर का जो हिस्सा है जहाँ पे स्टॉल बैठता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सामान वहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है मिलता है। ये देखिए कलकत्ता का जलेबी, पसंदीदा जलेबी, बादाम, ये देखिए बहुत सारा, मतलब मैं पूरा दिखा नहीं पाऊँगा फिर भी जितना हुआ उतना मैं जो है शूट किया। ये देखिए हवा से घूमते, ये देखिए ऑटोमेटिक सांप जैसा, देखिए पता नहीं मैं लिया भी नहीं, देखा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कितना क्यूट क्यूट, देखिए डॉगी, देखिए लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है, ये देखिए बड़ा ढूंढने आया था, बड़ा और मुड़ा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मुड़ी, तो हम लोग टाइम पास करने के लिए मुड़ा, ये देखिए जलेबी भी लिया और बड़ा लिया था और मुड़ा लिया था टाइम पास। এখন মনে হচ্ছে না দুটো বদল দিতাম। আরে বড় গামলায় মাখিয়ে দাও, तो ये देखिए यहाँ पे खाना जो है जो चावल है ये बन रहा है, और हम लोगों ने मुड़मुड़ा लाया यहाँ पे, देखिए हम 9-10 जन थे, तो इस तरह से
जैसे कहा कि नाश्ता करेंगे हम लोग, तो इसी बड़ा मिला और इसके साथ मोमो के साथ मिक्स करके और जलेबी भी लाया हूँ, वो भी थोड़ा बहुत नाश्ता हम कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या कभी ऐसे मोमो के साथ नाश्ता किया है यार? किया है तो बताना, शायद नहीं किया है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही चलते ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही फेमस है। देखिए यहाँ पे चावल जो है बन चुका है अभी, और एक चीज चिकन बनाना बाकी है, ये भी जल्दी से फटाफट बना लेंगे। दोस्तों ये मेरी बीवी है, देखिए बहुत काम किया किचन में जाकर, बहुत काम किया। देखिए दोस्तों चिकन बन रहा है और बन चुका है, अभी जो है मैं मेरे दोस्त के साथ और कुछ लोग पहले खाना खा रहा हूँ, उसके बाद बाकी के लोग खाना खाएंगे। तो पहले देखिए हम दोनों, ये दोस्त है मेरा एक और भी दो तीन दोस्त वहाँ पे बैठा है, हम पहले एक साथ खाना खा रहे हैं और बाद में जो है आधा जो टीम है उसके बाद उन लोग खाएंगे, हम लोग उन लोगों को खिलाएंगे बाद में। फिर ये देखिए यहाँ पे आजू बाजू बहुत टीम आए थे ऐसे ही पिकनिक करने के लिए, और अंदर जो है ना जो गांव में मेन अंदर है वहाँ पे बहुत सारा बहुत भीड़ था, इसलिए हम लोग बाहर यहाँ पे पिकनिक मनाए। एक तो भाग लेना
हमने तो बहुत खाना खा लिया, अभी इन लोगों की बारी है। देखिए दोस्तों, अभी इन लोगों की बारी है, जितना खा सको खा लो। दोस्तों खाना खाने के बाद ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। दोस्तों अभी यहाँ से निकलना है, ये देखिए रास्ता, वापस जहाँ से आए थे वहाँ जाना है। दोस्तों इसके बाद और भी सारा बहुत सारा वीडियो में लाऊँगा, कोशिश करूँगा जहाँ भी जाऊँ या मेला हो या कुछ भी जो अच्छा कुछ हो, पिकनिक कुछ हो, मैं आपको मैं वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देखना। और मेरा जितने वीडियोज रहते हैं, जो काम का वीडियो होता है, उन वीडियो को देखने के बाद आप लोग शेयर जरूर करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा जो मेन मेरा जो काम है उसका वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आपके साथ वापस मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।